विवेन, राम और सिया का कुछ पता चला? नहीं दादी माँ, राम को लास्ट टाइम राम टेकरी वाले मंदिर पर किसी ने देखा था, लेकिन उसके बाद से उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारे सैनिक उन्हें ढूंढने गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। पता नहीं कहाँ होंगे वो, कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें? डॉक्टर ने वैसे भी कहा है कि सिया भले ही ठीक हो गई है पर उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो शायद दोबारा मिरेकल ना हो। माँ, सिया को किडनैप हुए बहुत वक्त हो चुका है और probably, हो सकता है कि सिया मर चुकी हो। मलिका, आप ही देखे ना, पहले वो जहर और फिर वो चुड़ैल। सिया कोई भगवान नहीं है जो अगर हमारी सिया के बारे में एक गलत लफ्ज बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आम दादी माँ, दादी माँ आप संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। माँ, अगर दादी माँ का दुख बांट नहीं सकती हो तो कम से कम अपनी ऐसी घटिया बातें करके उनका दुख और मत बढ़ाओ। सिया कहाँ तुम? सिया, देवी माँ आप मुझे यहां तक तो लेकर आ गई, प्लीज मुझे आगे का भी रास्ता दिखाइए। जिस तरह आपने भगवान राम की मदद की थी, आज मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है। मन ने हुकुम सिंह, मैं थारी रक्षा ना कर पाई इस चुड़ैल से। राजघराने के सच्चे सैनिक थे तुम, राजघराना तन्ने सदा याद रखेगा। हुकुम सिंह उठ, घना वैद्यों का राजा बना फिरता था तो उठ कर अब मारी मदद कर। नकली ही सही पर अपनी पोती बनाया था तूने मने। आराम करने के लिए ना गाड़ा था मैंने तेने यहां, उठ और मारा काम कर। सौतन ने और बता
ये मरी क्यों ना अब तक? पधारिए राणा साहब, हमारे गढ़ में आपका स्वागत है। इस पल के इंतजार में जाने कितने पल, कितनी सदियां तड़पी है थारी दीवानी। दिल दिया तने एतबार की हद थी, हाले इश्क कह दिया इजहार की हद थी, कि मर के भी एक पल को ना बंद किए पल के। थारी से जुड़ी हमारे इंतजार की हद थी राणा साहब। वो चुड़ैल जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। सिया कहाँ है मेरी सिया? वहां राणा साहब, 5 साल पुरानी पत्नी के लिए 500 साल के प्यार को पैरों तले रौंद दिया आपने। आपका असली प्यार मैं हूँ। असली प्यार तो छोड़ो, तुम तो खुद एक धोखा जिसने अपना काला चेहरा अपने काले घूंघट के पीछे छुपा रखा है। 500 साल पुराना प्यार है हमारा, उसे यूं ना नकारिए राणा साहब। गले लगने की जगह हमारे पर हाथ उठा रहे हो राणा साहब, तो ले मारे लो, कम से कम इसी बहाने छू तो लोगे। तुम जो भी हो मैं तुम्हें नहीं जानता, ना मैं वो हूं जिसको तुम प्यार करती हो। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। मुझे ये बता दो कि मेरी सिया कहाँ है। ना आएगी वो वापस, भेज दिया मैंने उसे उसके भगवान के पास। झूठ बोल रही हो तुम। सिया को कुछ नहीं हो सकता, नहीं मर सकती वो। सिया कहाँ हो तुम? सिया तो मुझे प्लीज। कोई जवाब ना आवेगा। चली गई वह स्वातन हमारे बीच से, निकाल दिया मैंने उसे।
आप मुझे यहां तक तो लेकर आ गए, अब बस यहां तक और पहुंचा दीजिए। तुम जैसी गुंडागर्द औरत से कभी प्यार कर सकते हो? किसी की जान की परवाह से बिना किसी की इज्जत कर दिया तुम जैसी गुंडागर्द औरत से बहुत सुन लिया मैंने और बहुत कह दिया आपने। आज तक इसी इंतजार में थी कि जब आप आएंगे तो आपको आपकी असली पहचान याद दिलाऊंगी, पर अब शायद ऐसा कभी ना होगा। मन्ने मारे राणा सा ऐसे ना मिलेंगे। अपने राणा सा को पाने के लिए मन्ने कुंवर सा को मारना ही होगा, तभी मारे राणा सा की आत्मा मारे पास वापस आएगी। ज्यादा शक्तिशाली निकली। मारे और मारे राणा सा के मिलन का रास्ता हमारे मौत से होके गुजरेगा। कुंवर सा सिया, सिया मैं आ गया हूं। सिया उठने की कोशिश करो। सिया देखो मेरी तरफ। कैसी प्रीत, ये प्यार प्यार ना है, जिद है, 500 साल पुरानी जिद। आपका दर्द मारे दर्द के आगे कुछ ना, जो आज आपने मनी दिया है, लेकिन आज ये किस्सा मैं हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगी। मारी जीत का जश्न तुम्हारे साथ ही मनावेगी रे डोकरी, फिकर ना कर। पीट पीट ढोल पीट हाथ पांव मार के
रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, हम दोनों ठीक है, छोटे छोटे। रानी सा, ये जख्म तो वीरता की निशानी है। आज हमारे कुंवर सा उस चुड़ैल को हरा के आए हैं। हाँ रानी सा, जिस खूनी किले से आज तक कोई बच के ना आ सका, वहाँ से हमारे कुंवर सा कुंवर रानी सा को बचा कर लिया है। आज बहरामगढ़ के रावण की हार हुई है। राम सियावर सही सलामत अयोध्या वापस आए हैं। कुंवर साकी जय, कुंवर रानी साकी जय, 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 कुंवर साकी जय। मोहिनी, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है क्या? नाना कुवरानी सा, छोटी सी चोट है, ऐसी नादानी में लग गई थी। कितना खून बह रहा है मोहिनी, तुम छोटी चोट बोल रही हो उसको? माफ कीजिएगा, कुवर सा छोटी सी चोट नहीं है, गहरा सा घाव है मोहिनी के पैरों में। कैसे? मंदिर में लगी थी इनको ये चोट। मंदिर में? जी, जब कुंवर सा कुंवर रानी सा को ढूंढने गए थे तो मोहिनी नंगे पैर 5000 सीढ़ियां चढ़कर वो पहाड़ी वाले मंदिर में गई थी और वहाँ मग्न होकर नाचते हुए भगवान की इस तरह पूजा की कि उनके पैरों में छाले पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि मानो आप लोग जाइए। मोहिनी, आपकी श्रद्धा पर हमें गर्व है।
आज आपने अपनी वफादारी साबित कर दी है। आपकी निष्ठा देखकर हमें विश्वास है कि जो जिम्मेदारी हम आपको आज सौंपने जा रहे हैं, आप उसे भली भांति निभाएंगी। मोहिनी, माफ कीजिए, फुरानी माँ ने आपके लिए संतरे का जूस भिजवाया था, वही लेकर आ रही थी और गलती से आपकी बात सुन ली। माफ कर दीजिए। थैंक यू। चुड़ैल को पकड़ना चाहती हैं आप कुंवर अनीसा, पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये काम घनो खतरनाक है। हमारे दादा कहते थे बैरामगढ़ की चुड़ैल लीच हो गए है, एक बार किसी के पीछे पड़ जावे तो उसकी जान लिए बिना छोड़ती को नहीं। और उसने तो एक बार आपकी जान लेने की कोशिश भी की है ना। हमारी बात मानिए तो रास्ते से पीछे हट जाइए। चुड़ैल की बातों में ना आइए कुवरानी साहब, मन्ने यकीन है अगर आपने मन्ने ढूंढने का फैसला कर लियो है तो आप मारे तक जरूर पहुंचेगी कुवरानी साहब। रास्ता में छोड़ आई हूं आपके लिए। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, दीजिए मैं कर देता हूँ। आज से सिया का सारा काम मैं करूंगा, सिया आपसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हाल बनाया तुमने किचन का? तुम सिया, तुम्हें बोला ना मैंने जाके आराम करो, चोट लगी, चलो। मामूली सी चोट लगी है, हाथ पैर सही सलामत है मेरे। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम रूम में जाओ, जाकर आराम करो, काम मुझे करना है। चलो 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 दादी माँ। अब से सिया का सिर्फ मैं ख्याल रखूंगा, उसे अपने से एक पल दूर नहीं जाने दूंगा। जितनी भी तकलीफ दी है उस सबकी भरपाई करूंगा। कुबरानी सा, आपका खाना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है आपका गुलाम राम, आपका फेवरेट दलिया। दलिया? मैं तो इसी तरफ देखूंगी ना। अरे देखो ना कितना क्या गार्निश किया है मैंने, क्या सजा कर लाया उसको, बहुत टेस्टी है। रियली राम? हाँ? जब बनाना था तो कुछ चटपटा बनाते, जैसे राजमा चावल, छोले चावल, काजू करी, पनीर बटर मसाला। ये दलिया कौन बनाता है? हो गया, अब यहाँ बैठो और दलिया खाओ, बीमार लोग सिर्फ दलिया खाते हैं। मैं नहीं खाना। सिया राम, सिया राम। अच्छा अगर मैं खिलाऊंगा तो खाओगी ना? तेरे बिन जीना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है।
ये तय है, मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है।